कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सॉरी. आज हम लेकर आए हैं एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल एंड वेरी इजी रेसिपी. तो आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी, और इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाएंगे. अच्छा, ये मेरे पास मेरी फ्रोजन भिंडी है. आप लोग पास जो भी अवेलेबल हो फ्रेश भिंडी, जिसको कट करके बनाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कट हुई हुई फ्रोजन में सब जगह आई थिंक अवेलेबल होती है इजीली, तो वो मिल जाती है. तो चलें आज हम मजेदार सी, जबरदस्त सी भिंडी अपनी बनाते हैं. तो चलें, सबसे पहले मैंने अपना एक पैन रख दिया है, चूल्हा ऑन कर दिया है. इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल. ये मेरा एक बैग है भिंडी का, यानी कि तकरीबन 300 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा. तो अच्छा, मेरे पास फ्राइड अनियन है, तो इस पॉइंट पे मैं अनियन फ्राइड नहीं करूँगी. अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो आप लोग पहले अनियन फ्राई कर लीजिएगा. तो इसमें हम अपनी ये अब सारी भिंडी डाल देंगे. और इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे. बहुत मज़े की बनती है ये, झटपट बनाएंगे हम इसको और इतने मज़े से बनाएंगे. और ये तो हल्की भी रहती है गर्मियों के, स्पेशली जैसे समर चल रहा है, गर्मियों का वेदर है, बहुत हॉट, और झटपट क्विकली बन जाती है जब हमें कुछ समझ में ना रहा हो तो. और वैसे भी वेजिटेबल के तो बहुत फ़ायदे हैं, और लेकिन ये कि जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो ये कि भिंडी या कोई दाल, इस टाइप के आइटम बना लेते हैं. और आप लोगों के मुझे कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है, मैं सबके कमेंट पढ़ती भी हूँ और सबको रिप्लाई भी करती हूँ. कोशिश यही करती हूँ कि सबको रिप्लाई भी कर दूँ, ताकि जैसे जैसे जो है वो अभी मेरे जो अच्छे, मतलब जो मुझे व्यू करते हैं और जो मुझे देखते हैं रेसिपी को, तो उन तक मैं अपनी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ भी पहुँचाऊँ और उनके अपने अच्छे अच्छे व्यूअर्स का रिप्लाई भी करूँ. और आप लोगों को अगर कोई रेसिपी चाहिए हो तो आप लोग मुझे वो कमेंट करके बताया भी करा करें, तो मैं आप लोगों की फरमाइश पर जो है वो बनाऊंगी. अच्छा, ये देखें, ये हमें फ्राई करते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं. तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने, ये मेरा 1 लार्ज टमाटर है, ये मैंने इसको इस तरह कट कर लिया है. हम डाल के, और ये हमारे कुछ स्पाइस हैं, ये मेरे पास 1 टीस्पून कुटी मिर्चे हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्चे हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट है, ये चला जाएगा. अच्छा, सारे मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे थोड़ा सा देर, 2 मिनट तक भूनेंगे. और हम इसमें, ये मेरे पास 1 कप फ्राइड अनियन है. अगर मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आप लोगों के पास अनियन ना हो तो आप उस पॉइंट पे, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ऑयल जब हमने डाला था तो उस पॉइंट पे हम अनियन फ्राई कर सकते हैं. ये मेरे पास 1 कप अनियन है, तो ये भी चली जाएगी. अच्छा, तो आप लोग एक लार्ज अनियन ले लीजिएगा तो वो बहुत रहेगी, अच्छी रहेगी. अब हम सबको मिक्स करेंगे, ये हम सबको मिक्स करेंगे. इसको 1-2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, ताकि टमाटर, अनियन और सारे स्पाइस, ये मिक्सिंग बिल्कुल सिंपल, वही स्पाइस हैं सब जो हर जगह अवेलेबल हों इजीली. अच्छा, ये देखिए, बस इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल जस्ट मसाले डाले, टमाटर डाला, अनियन डाली, बस. अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए दम पर लगा देंगे, मीडियम लो कर, और मिलते हैं आपसे 10 मिनट्स में. ये देखिए, हमारी भिंडी को 10 मिनट गुजर चुके हैं, हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे और इसको खोल के देखते हैं. वाओ, सो गुड. अब हम इसको अपना डिश आउट करेंगे और इसको मजे से, रोटी से, चावल से, जिससे दिल चाहे खाएंगे. हम खाएंगे रोटी से, तो आई विल शो यू द, हम रोटी में आपको दिखाती हूँ. Okay, it's done.
और ये भी हम हटा देंगे। तो ये देखें, ये हमारी भिंडी और रोटी रेडी है। तो आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। चले चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक मजेदार सी, जबरदस्ती, यमी सी और इजी सी सिंपल रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।